मेरे को एक चीज का आंसर दें। वेक्टर वेक्टर तो होते रहेंगे। देखो फिजिक्स तो बाद में बनी, पहले तो नेचर है ना, हम जैसे काम कर रहे हैं या जो फिनोमिनाज हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करके कुछ एक्सप्लेनेशन दी हमने। पहले कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन का आंसर दें। मैं एक बाइक चला रहा हूँ और बाइक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, बाइक मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बोलो इसकी एक्सीलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। मानते हो इस चीज को? सही आंसर है। चलो मैं बाइक चला रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, फिर मैंने एक मोड़ काट लिया 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने स्पीड चेंज नहीं की, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मैं घूमता जा रहा हूँ। चलो छोटा क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, मैं मुड़ गया 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं की, एक्सेलेरेशन क्या है? हाँ, चेंज होएगी, एक्सेलेरेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? पर मैंने स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड रखी, मैं तो चेंज ही नहीं की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर या एक्सेलरेशन तब जनरेट होती है जब वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, वेलोसिटी वेक्टर, देखो अब वेक्टर बोलना पड़ेगा। अब वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अगर ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन पक्का जीरो आएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड की जगह 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सेम स्ट्रेट लाइन है, तो भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। तीसरा केस, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज माना जाएगा। अगर किसी भी गाड़ी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो भी वेलोसिटी वेक्टर में चेंज माना जाएगा। और वो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या जनरेट करके देगा आपको? एक्सेलरेशन। तो आप ये ना बोलें कि अगर कोई गाड़ी की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, आप ये ना बोलें उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी क्या चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है यहां तक? इस बात को मैथमेटिकली अब हम प्रूफ करेंगे, ऐसा क्यों और क्या एक्सेलरेशन होगी जबकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, पर फिर भी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या एक्सेलरेशन होगी वो निकालने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी लोग इसका आंसर जीरो बोल देंगे, और जहां वो जीरो बोल देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो फिर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो जीरो ही चल रहा था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन 1D, 1D में तो पक्का ही जीरो है, 2D में जीरो नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन जनरेट होगी, कैसे? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन है, और 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी को चेंज कर लिया, क्या कर लिया? नॉर्थ कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो सपोज करो, इमेजिन करो कि एक वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम है v1 वेक्टर, और ये कहाँ पे जा रहा है? ये व्हीकल टुवर्ड्स ईस्ट, गिवन है ये, कोई डाउट इसमें? फिर 10 सेकेंड में उसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया और क्या कर लिया? नॉर्थ। नॉर्थ के लिए वेक्टर यहाँ बना लेते हैं, ये लेट अस सपोज नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ का वेक्टर है, इसका नाम है v2 वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट इसमें? सही है यहां तक? यही केस बनेगा। अच्छा, ऐसा कर सकता हूं, इस वेक्टर को यहां की बजाय अगर यहां बना लूं चलेगा? ये लो v2 वेक्टर, यहां नहीं रखना चाहता, यहां रख लेता हूं, चलेगा? चलेगा भाई, क्यों? क्योंकि ना तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं और ना इसकी डायरेक्शन चेंज, तो वेक्टर को तो उठा के रखा ही जा सकता है, प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें कोई, वहां रखना वहां रख लो, यहां रखना यहां रख लो, जहां मर्जी रख लो वैसे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसके अंदर ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक नया वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है एक्स वेक्टर, कुछ भी, मैं इसके साथ कैलकुलेशन इसके साथ कर रहा हूँ, एक ही बात है,
क्या इसमें ट्राइंगल लॉ लग सकता है? और अगर लग सकता है तो इसका रिजल्टेंट कौन होगा? v2 वेक्टर, v1 वेक्टर की x वेक्टर? ऐसे थोड़ी ना, पाइथागोरस से बड़ा साइड थोड़ी ना रिजल्टेंट होता है हमेशा। क्लोजिंग साइड ढूंढो, क्लोजिंग साइड ढूंढो। v1 वेक्टर को कौन कंटिन्यू कर रहा है? x वेक्टर। क्लोजिंग साइड कौन है? v2 वेक्टर। ऐसे नहीं तुक्के मार सकते, अच्छा जो बड़ा लग रहा है, हमने ऐसा प्रूफ किया था, ऐसा नहीं है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये इसकी क्लोजिंग साइड है। तो v2 वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ x वेक्टर एंड v1 वेक्टर। कोई डाउट इसमें? लिख सकते हैं ऐसे, तो बोलो x वेक्टर क्या आएगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और क्या मैं एक्स वेक्टर का नाम चेंज कर दूं? क्या मैं इसे डेल्टा वी वेक्टर कर दूं? एक ही बात है, क्योंकि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है। कोई डाउट इसमें? तो ये मेरा डेल्टा वी वेक्टर आ गया, तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। तो कौन ऐसा सोचता है अब के बाद भी, कि इस क्वेश्चन के बाद भी, कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा? नहीं, मैंने प्रूव कर दिया, देखो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। क्योंकि अगर आंसर जीरो होता, अगर हम ऐसे लेते कि स्पीड पहले भी 5 है, अब भी 5 है, तो स्पीड में चेंज क्या है? जीरो। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में भी चेंज दिखाई दे रहा है आपको। और मैंने ट्राइंगल लॉ से प्रूव करके दिखाया कि ये जो साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। कोई डाउट इसमें? और अगर इसकी साइड, ये लेंथ निकालनी है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बोलो क्या होगा? ट्राइंगल की शक्ल देख के बता सकते हो क्या होगा? हम बोलो वैल्यू क्या होगी इसकी, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर जीरो होगा तो फिर यार ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना यार। मैंने कहा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये रही शक्ल, 5, मतलब कि पहले भी 5, अब भी 5, चेंज भी 5, डेल्टा वी भी 5। ऐसे कैसे? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 5√2। आपको 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 ऐसा फील नहीं हो रहा कि पाइथागोरस लग रही है यार यहाँ पे? ये 5 है, ये 5 है भाई, ये पाइथागोरस तो वैसे ही आ रहा है। कितना आ रहा है? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 5√2। ये रहा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, आपके सामने तो है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आया समझ, कोई बात नहीं। एक और तरीका है, डेल्टा वी वेक्टर का मतलब क्या है यहां पर? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, सबको सब्ट्रैक्शन आता है। चलो याद किया हुआ फॉर्मूला बोलो, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √v2² v1² 2v1 v2 cos थीटा। मानते ये तो सही है। इसमें बोलो पहली वेलोसिटी क्या है, दूसरी वेलोसिटी क्या है? 2 5 5। दो वेलोसिटी v1 v2 का सब्ट्रैक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है v1 v2 में? cos 90 क्या है? लो आंसर तो फिर सेम आ गया, कैसे भी कर लो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो डायग्राम से वैसे ही बता, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि v1 है, ये v2 है, ये डेल्टा वी है, और ये साइड ऑफ ट्राइंगल्स से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो आप तो वैसे ही पाइथागोरस से आंसर बोल सकते थे। आपने आंसर दे तो दिया था, पर आपने थोड़ा लंबा तरीका बोल दिया, एंगल निकाल के निकाला, एक ही बात है। चलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर गाड़ी सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो डेल्टा वी जीरो नहीं होगा। जिन्होंने जीरो बोला, देखो जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जीरो होता फिर तो क्वेश्चन डिस्कस क्यों कर रहे हैं? फिर तो तुमने कॉमन सेंस से बोल तो रहे थे कि 5 में से 5 गया जीरो, और वही तो मैं मना कर रहा था कि वो नहीं बोलना जीरो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से डेल्टा वी आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यही इसमें मेंशन किया गया है कि इसके अंदर ये 5 है, ये 5 है, ये जो थर्ड साइड है ये डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रही है। और क्यों कर रही है? मैंने इसको ट्राइंगल लॉ से एक्सप्लेन भी किया कि डेल्टा वी वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। तो मैंने ये बताया भी कि अगर ये डेल्टा वी है, और डेल्टा वी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप डेल्टा वी वेक्टर का मतलब ये समझते हैं तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन और वेक्टर लगा लें, सब्ट्रैक्शन से आंसर 5√2 आएगा। तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया? 5√2। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? इस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी आंसर। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, इस गाड़ी ने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, 5 मीटर पर सेकेंड ही रखा,
सिर्फ क्या चीज चेंज की अपनी डायरेक्शन, तो भी उसमें एक्सीलेशन जनरेट हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि सुनने में लग रहा था कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक्सीलेशन जीरो आना चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सीलेशन आ गई। तो इस डायरेक्शन, इस एक्सीलेशन होने का रीजन चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सीलेशन जनरेट होती है। क्लियर है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो अब आपको क्या निकालना है इसमें? डेल्टा, वो कह रहे जी एक्सीलेशन की डायरेक्शन भी निकाल दो। अब एक्सीलेशन की डायरेक्शन, जो एक्सीलेशन वेक्टर होता है वो क्या होता है? डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टू। जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर, एक ही बात है। तो डेल्टा वी यहां की बजाय अगर मैं यहां लिख लूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। डेल्टा वी यहां लिख लो, यहां लिख लो, जहां मर्जी लिख लो। तो इसमें इसलिए यहां रखा क्योंकि एंगल 45 आएगा, ये 5 है, ये 5 है, 45 है, तो ये एंगल भी 45 है। तो अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो सीधा लिखा जा सकता है नॉर्थ वेस्ट। तो एक्सीलेशन की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे इसलिए लिखा ताकि बताना आसान हो जाएगा। हालांकि आप यहां भी बता सकते हो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एक्सीलेशन को बोल सकते हो एक्स के साथ उसने एंगल 45 बनाया या नॉर्थ वेस्ट बनाया, एक ही बात है। तो मैं आपको फिर कहूंगा, ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में आएगा, देखो पेपर में ना भी आएगा, क्योंकि डालने वालों को ये पता है इसको डाल के फायदा ही नहीं है। क्योंकि 2D मोशन में आपको अगर ये बात समझ में ही नहीं आ रही और आप फिर यही बोले जा रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होने के बावजूद भी एक्सीलेशन जीरो है, तो मतलब आपको सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो हर वक्त डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। वहां तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? आपने एक एक्सीलेशन सुनी है कभी? सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, नाम सुने? चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स सुनी है? कहां एक्ट करती है? टुवर्ड सेंटर, ऐसा सुने कभी? अच्छा, दुनिया में कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, न्यूक्लियस के एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, बताते होंगे उसमें न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करता है, वो गोल गोल घूमता है क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होती। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो हर वक्त 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी बोलते हैं एक्सीलेशन जनरेट होगी, कैसे? डायरेक्शन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होने का रीजन चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड नॉट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। ऐसे है ये, फिर इसका खाता स्टार्ट हो जाएगा, जब हम सर्कुलर करेंगे तब समझ में आएगा वो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहे। बट ये आइडिया समझ में आ गया, आइडिया क्लियर है यहाँ तक कि एक्सीलेशन जनरेट हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन? क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? इसके अंदर एक क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। आपको ना दो पुलिस गिवन होंगी, दो पुली गिवन है, रस्सी बांध रखी है, इस रस्सी को कोई ऐसे खींच रहा है यू वेलोसिटी के साथ, और एक बॉक्स टांग रखा है, वो बॉक्स ऊपर उठता जा रहा है। आपको ये पता है कि रस्सी के नीचे खींचने की वेलोसिटी यू है, बॉक्स के ऊपर जाने की वेलोसिटी वी है, आपको वी गिवन नहीं है, आपको वी निकालना है। क्वेश्चन में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यू? कोई कहता है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जितनी वेलोसिटी से रस्सी खींचेंगे उतनी वेलोसिटी से बक्सा ऊपर जाएगा, तो ये यू, तो ये भी यू। गलत। ठीक, मैं बताता हूं, मैं और आसान कर देता हूं। मैं इसमें इसको ऐसे बोलूंगा, जब आप एक रस्सी से किसी भी सामान को उठाते हैं, आपने रस्सी में कभी बल देखे पड़े हुए हैं? ढीली रस्सी, क्या ढीली रस्सी सामान उठा सकती है? आपको बहुत बड़ा बक्सा उठाना है, रस्सी से खींचना है, या रस्सी टूट जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, तब खींचेगी, बिना टाइट तो खींच नहीं सकती। और कभी ऐसा हो सकता है रस्सी का एक मीटर रस्सी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, अगली 1 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ऐसा होता है कभी? एक ट्रेन है, ट्रेन की बोगीज हैं, ट्रेन का इंजन तो तेज भाग रहा है, बीच वाली बोगी स्लो भाग रही है, आखिरी वाली कहते मैंने चलना ही नहीं, ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा हुआ, एक तेज और स्लो हो गए, तो आपस में टक्कर नहीं हो जाएगी, बल पड़ जाएंगे उसमें, तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर इंजन एक एमरजेंसी ब्रेक लगा दे तो बोगी इसको थोड़ा रोक लोगे, उसमें ब्रेक थोड़ा लगी हुई है, तो एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यानी कि जब भी एक चीज़, कोई भी रस्सी चलेगी किसी चीज़ के ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रिंग बोलते हैं इसे, तो वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब कि मैंने यहां पे ये देखो, ये हर पॉइंट इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी यू रखे हुए हैं, और यहां से स्ट्रिंग टेढ़ी है, तो यहां से लेके यहां तक हर कंपोनेंट की स्पीड क्या रहेगी?
सेम सेम रहेगी, अगर सेम ना रही बल पड़ जाएंगे इसमें, फिर बक्सा उठेगा नहीं। तो मेरे को ये v वेलोसिटी निकालनी है, काम क्यों नहीं करते, v का कंपोनेंट इस रस्सी के ऊपर क्या होगा, v cos थीटा है ना, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट v cos थीटा। तो क्योंकि यहां की और यहां की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा। इक्वेट कर लो तो v की वैल्यू क्या आएगी, u अपॉन cos थीटा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या इसमें लॉजिक लगेगा, इसमें कोई डाउट इसमें, ठीक, नई चीज है मैं समझ सकता हूँ, आप अजीब लगता है जब नई चीज करते हैं तो एक बार थोड़ा करंट सा लगता है यार क्या है यार ये, मुझे थोड़ा सपना आएगा ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट लेने होंगे, पर आज के बाद आएगा, आज के बाद जब ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन अगली बार शीट में आपको कि अच्छा ये तो पता है मुझे, वी कॉस थीटा इक्वेट कर दो आंसर आ जाता है, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें,